हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जुबैर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूनुस हेल्थ टिप्स में, जहां पाते हैं दवाइयों और बीमारी के बारे में कुछ खास जानकारी। फ्रेंड्स, यहां हम 5 ऐसे सवालों के जवाब देंगे जो हमारे व्यूवर्स ने 5 ऐसे सवाल पूछे हैं। आज इस वीडियो में हम उन 5 सवालों के जवाब देंगे और ये सवाल हार्ट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ये वीडियो बनाई है चेस्ट पेन के ऊपर, यानी के सीने में दर्द क्यों होता है, ये एंजाइना का दर्द क्या होता है, इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखिए। आप मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं उन 5 सवालों की जो हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्ट क्या है? हार्ट कहते हैं दिल को। दिल एक मांसपेशी अंग है जो हमारे शरीर के माध्यम यानी के सीने के बीच में होता है। यह हमारे ब्लड को शरीर के अन्य भागों में पंप करता है। दिल हमारे शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट एलिमेंट को सर्कुलेट करता है। हृदय का कार्य क्या है, यानी के दिल का कार्य क्या है, काम क्या है? हृदय का कार्य रक्त को अपनी आर्टरीज के माध्यम से पंप करना है। ये पंपिंग गतिविधि दिल के 4 ब्लड वेसल्स के माध्यम से होती है। ये गतिविधि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट एलिमेंट की कमी को पूरा करता है। दोस्तों, आगे हम बताएंगे हार्ट फेलियर होने के कारण। अभी हम जान रहे हैं हार्ट में इन्फेक्शन, हार्ट खराब डैमेज होने के लक्षण। तो हार्ट के डैमेज होने के लक्षण में छाती में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई, थकान, हृदय तेज धड़कना, सर दर्द, चक्कर आना, घायल होने पर सुनाई देने की समस्या होना, हाई ब्लड प्रेशर, वेट की कमी या वेट का ज़्यादा होना, चिड़चिड़ापन, थकान महसूस होना, बार बार बुखार आना, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हार्ट में इन्फेक्शन होने के लक्षण, जिससे कि हार्ट डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ हम जानेंगे हार्ट फेलियर के कारण। हार्ट फेलियर हो सकता है इन कारणों से: हृदय में यानी के दिल में इन्फेक्शन का होना लंबे समय से, बैठे रहना, डिप्रेशन में रहना, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होना, विटामिन डी की कमी की वजह से शरीर में एलिमेंट की कमी, ज़्यादा मोटापा होना, मसल्स मास की समस्या होना, नर्व इन्फेक्शन होना, धूम्रपान, शराब पीना, व्यायाम की कमी, मानसिक तनाव, इस तरीके के अगर आपको गतिविधि होती है और आप इन चीज़ों में मुबतला रहते हैं तो इससे हार्ट फेलियर होने के चांसेस। अब फ्रेंड्स, यहाँ हम जानेंगे हार्ट में इन्फेक्शन से कैसे बचें। हार्ट में इन्फेक्शन से बचने के लिए इन उपायों का पालन करना आवश्यक है। स्वस्थ आहार लें, बॉडी वेट कंट्रोल रखना चाहिए, नियमित व्यायाम करें, धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें, स्ट्रेस को कम करें, नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लेते रहें, हाथों को नियमित रूप से साफ सुथरा रखें, स्वच्छता के रूल्स का पालन करें, इन्फेक्शन से बचने के लिए हाथ को साबुन से धोएं, अच्छी स्वच्छता बनाए रखें और टीकाकरण अभियान में भाग लें और अपने डॉक्टर से जांच कराते रहें। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीडियो पर कुछ टिप्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजकर आप उन सवालों के जवाब पा सकते हैं। मैं उनका कोशिश करूँगा कि मैं उन सवालों के जवाब आपको दे सकूँ। तो इस वीडियो को मैं यही सवाल समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।